नमस्कार, अखबार जगत में आपका स्वागत है। घर में किसी की शादी होने पर पूरा परिवार उसकी तैयारियों में जुट जाता है, लेकिन यूपी के वाराणसी में सामूहिक आत्महत्या का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसके लिए एक महीने से पूरा परिवार तैयारी कर रहा था, जिस विषय में 8 पेज का सुसाइड नोट लिखा गया है। सुसाइड नोट इत्मीनान से और अलग अलग दिनों में पेन और स्केच पेन दोनों से लिखा गया है। अधूरी कहानी पर खामोश लबों का पहरा है, चोट रूह की है इसलिए दर्द जरा गहरा है। सुसाइड नोट में यह पंक्तियां शुरुआत में लिखी गई है। वाराणसी के मुकिमगंज क्षेत्र में नचनीकुआ मोहल्ला निवासी कारोबारी चेतन तुलस्यान बीते एक महीने से पत्नी और बच्चों के साथ जान देने की तैयारी कर रहे थे। इसके लिए घर में नायलॉन की रस्सी और टेप लाकर रखे थे। पहले पत्नी और फिर दोनों बच्चों को मानसिक रूप से तैयार किया। उसके बाद बीती 22 जनवरी को चेतन ने स्टैंप युक्त शपथ पत्र बनवाकर उसका लेमिनेशन करवाया। नोट में सारी संपत्ति साले श्री राम खेमका को देने को कहा गया। नोट में पत्नी ऋतु ने लिखा है कि तकरीबन 20 साल पहले शादी करके बनारस आई तो परिवार जितना खुशहाल बाहर से दिखता था अंदर से वैसा नहीं था। ससुर और देवर ने उन्हें पंखे के व्यापार से हटाकर 5,000 रुपए का कर्मचारी बना दिया। पता था कि सब कुछ गलत हो रहा है लेकिन कभी कुछ कह नहीं पाती थी। सुसाइड नोट के अनुसार पति और पत्नी ने जब जान देने की बात आपस में तय कर ली तो उन्होंने बच्चों से भी इस संबंध में बात की। हर्ष स्नातक की पढ़ाई कर रहा था और हिमांशी ने इंटरमीडिएट का प्राइवेट फॉर्म भरा था। दोनों बच्चों ने चेतन से कहा था कि हमें नींद की गोली देकर पापा हमारा गला दबा देना। नोट के अनुसार रात 2 बजे दोनों बच्चों को नींद की गोली देकर चेतन ने पत्नी की मौजूदगी में उनका गला दबाया। उधर चेतन का हाथ पीछे की ओर ढीले ढाले टेप से बंधा था। पत्नी और बच्चों की हत्या के बाद चेतन ने सुबह 4:35 पर डायल 112 पर फोन कर सूचना दी कि उसने सबको मार दिया है और अब वह जान देने जा रहा है। सूचना पाते ही पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एएसपी प्रभाकर चौधरी ने बताया कि मौके से मिले सुसाइड नोट और दवाएं आदि देखकर यह प्रतीत होता है कि पूरी तैयारी के साथ परिवार ने आपसी सहमति से जान दी है। देखते हैं अब इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। रिपोर्ट अखबार जगत। इसी तरह के वीडियोस और जानकारी के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करिए अखबार जगत।